नमस्कार दोस्तों, हेल्थ फ्लिक्स में आपका स्वागत है। क्या आपने ये न्यूज पढ़ा है कि इंडियन फार्मेकोपिया कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मेफेनेमिक एसिड नाम के एक पेन किलर के लिए एक ड्रग सेफ्टी अलर्ट जारी किया है। मेफेनेमिक एसिड, आपने ये नाम नहीं सुना? आपने जरूर सुना होगा। मेफ्टल का नाम सुना है, मेफ्टल स्पाज का नाम सुना है, मेफ्टल फोर्ट का नाम सुना है, मेफकाइंड का नाम सुना है, कोली स्पाज, डिसमेन, स्पाजमोनिल एंड पैरा स्पाज इत्यादि अनेक नामों से मेफेनेमिक एसिड हमारे मार्केट में बिकता है। यही नहीं, शायद ये हर घर में अवेलेबल होगा। घर ही नहीं, हमारी माता बहनों के बैग में भी होगा। क्यों? क्योंकि पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन को कम करने के लिए सबसे कॉमन मेडिसिन मेफेनेमिक एसिड मेफ्टल स्पाज यूज किया जाता है। ये केवल पीरियड्स पेन को कम नहीं करता, ये फीवर में भी दिया जाता है, ये अर्थराइटिस का पेन होता है उसमें भी दिया जाता है, डेंटल पेन होता है उसमें भी दिया जाता है। क्या है ये ड्रग अलर्ट? इंडियन फार्मेकोपिया कमीशन के अंतर्गत फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया ने जो डाटा बेस इकट्ठा किया है उसमें पता चला है कि इसकी खाने से हो सकता है कि ड्रेस सिंड्रोम हो जाए। ड्रेस सिंड्रोम? जी हाँ दोस्तों, ड्रेस सिंड्रोम। क्या ये जानलेवा हो सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। DRESS, ड्रग रिएक्शन विद इयोसिनोफिलिया एंड सिस्टमिक सिंड्रोम। जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है, ड्रग रिएक्शन। ड्रग रिएक्शन मीन्स आपके शरीर पे हो सकता है कि एलर्जी जैसे निशान आने लगे, आपके चेहरे पे लाल लाल चिकत्ते आने लगे, हो सकता है ये दाने जैसे दाने हो सकते हैं, या ये बड़े बड़े लाल रंग के चकत्ते पड़ सकते हैं, हो सकता है कि ये पस जैसे फॉर्म में हो सकता है कि कुछ ऐसे फूड़े फुंसी जैसे होते हैं उसमें पानी भरा होता है, उस तरह से भी हो सकते हैं। इस तरह के ड्रग रिएक्शन आपके शरीर पे देखा जा सकता है। आपके चेहरे पे स्वेलिंग हो सकती है, आपके होठों पे स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा इयोसिनोफिलिया, इयोसिनोफिलिया मीन्स इयोसिनोफिल नाम का एक हमारे शरीर में सेल पाया जाता है। इयोसिनोफिल जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो भी बढ़े हुए मात्रा में रहता है, जो ये बताता है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हुई है। सिस्टमिक सिंड्रोम, सिस्टमिक सिंड्रोम मीन्स एक गुच्छा है कई सारे रोगों का। मतलब इस दवा से आपको हो सकता है कि आपके जो फेफड़े हैं उसमें स्वेलिंग हो जाए, निमोनाइटिस बोलते हैं, आपके हार्ट में स्वेलिंग हो जाए, कार्डाइटिस बोलते हैं, आपके किडनी में स्वेलिंग हो जाए, नेफ्राइटिस बोलते हैं, आपकी आंतों में स्वेलिंग हो जाए, कोलाइटिस बोलते हैं। इस तरह की कोई भी कम्बिनेशन या परम्यूटेशन में आपकी ये सिम्टम आपके शरीर में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब तो रहा ये सिम्टम के बारे में कि हाँ ये ड्रग एलर्जी है, इससे सिस्टमिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्या इससे जान जा सकती है? जी हाँ, इससे जान जा सकती है। ऐसा हमारा जो डाटा बेस है उसमें ये पाया गया है कि ये जानलेवा भी हो सकता है, बहुत ही सीवियर किस्म का है, और इसीलिए इसे जल्दी पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी आप इसे पहचान लोगे और जा करके ट्रीटमेंट लोगे उतना अच्छा होगा। क्या करना होता है इसके उपचार के लिए? सबसे पहले आपको ये जानना होगा, क्या आपने मेफेनेमिक एसिड का ड्रग लिया है, मेफ्टल लिया है? तो उस ड्रग को लेने से 2 हफ्ते से लेकर के 8 हफ्ते तक, सपोज आज आपने लिया है तो ये रिएक्शन आपको आने वाले 2 हफ्ते से लेकर के 8 हफ्ते तक भी, यदि ये इस बीच आपको कोई रिएक्शन दिखा रहा है चेहरे पर या कोई एलर्जी जैसा दिख रहा है, तो हो सकता है कि वो मेफेनेमिक एसिड के द्वारा हुआ हो। ऐसा ना हो कि आपने आज लिया और एक महीने बाद मतलब 4 हफ्ते ही बीते हैं, 1 महीने बाद भी आपको इसके द्वारा किए गए जो ड्रग रिएक्शन है, ड्रेस सिंड्रोम होने की संभावना 1 महीने बाद भी रहती है। मतलब 8 हफ्ते तक, 2 महीने तक आपको विजिलेंट रहना चाहिए कि यदि आपके शरीर पे कोई चकत्ते दिख रहे हैं, एलर्जी दिख रहा है और कोई और ज़्यादा सिम्टम आ रहे हैं, सांस की दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको अवेयर होना चाहिए और जा करके डॉक्टर से मिलना चाहिए।
सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप मेफेनेमिक एसिड यदि आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, आर्थराइटिस के लिए ले रहे हैं, जॉइंट पेन के लिए ले रहे हैं या पीरियड्स पेन के लिए ले रहे हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पे इसके ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है, साथ में स्टेरॉइड की डोज दी जाती है इस एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए। इसमें एक ही चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अर्ली डिटेक्शन फॉर गुड प्रोग्नोसिस, नहीं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसको जितना ज़्यादा हो सके आप सर्कुलेट करेंगे तो हो सकता है किसी की जान बच जाए, हो सकता है ये अवेयरनेस किसी के लिए वरदान साबित हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद। अपना खूब सारा ध्यान रखिए।